तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर नंबर 10। तो लेक्चर नंबर 10 में देखिएगा हम लोग क्या सीखेंगे, वही चीजें अपन लोग डिस्कस करेंगे। कौन सी चीजें जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, और कौन सी चीजें हैं उसको देख लेते हैं। क्या इक्वेशन थी, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। देखिए यही हमारे पास में समीकरण है, जिस समीकरण के बारे में हमने पिछले दो क्लासों में डिस्कस किया था। क्या बोलते हैं इसको, आरहेनियस समीकरण बोलते हैं। के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, के जो रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक। के हो गया हमारा दर स्थिरांक। ए हमने आपको सिखा दिया, और इसके बारे में एक और बात हमने सिखाई थी कि ए बनता कैसे है, कैसे ए को देखा जाता है, ये हमने आपको बता दिया था। इसको बोलते हैं वैसे तो पूर्व या पूर्व चर घातांकी, पूर्व चर घातांकी नेतांक ये बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या था, ये हमारे पास में था संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा आर जो था हमारा वो नेतांक, वही गैस नेतांक वाला, ठीक है। और टी क्या था, टी हो गया परम ताप, परम ताप, ठीक है बेटा। तो ये चीज हमने बता दी, ठीक है। हाँ, फिलहाल के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, ये हमने आपको बता दिया था। ये सारा सूत्र, सारी चीजें आपको पता है। फिर हमने एक और चीज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ए इक्वल टू, हमने एक बात बोली थी पी इंटू जेड, याद आ गया होगा पी इंटू जेड, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने बताया था पी क्या होता है, जेड क्या होता है, और हमने ये भी बताया था ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या होता है। ई ए बाई आर टी जो होता है वो अणुओं का एक क्या कहते हैं फ्रैक्शन, मतलब क्या कहते हैं अंश होता है, जिनकी जिनकी ऊर्जा क्या होती है ई ए या ई ए से अधिक होती है, ई ए या ई ए के बराबर, ई ए के बराबर या अधिक। तो ये बातें हम सब डिस्कस कर चुके हैं, सारी बातें हमने इसको बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझा दी है। अब हम आगे एक दो बातें और डिस्कस करने वाले हैं, वो भी समझ लीजिए। क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं हम के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी के ग्राफ। क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो ग्राफ मैं ले रहा हूं वो ग्राफ देखो, ये था आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, के और टी, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, पूछा गया है के और टी का ग्राफ क्या होगा, ठीक है, के और टी का ग्राफ क्या होगा। अब सोचो आप जरा एक चीज सोचो, और मैंने आपको बताया है कि टी बढ़ाएंगे, टी बढ़ाएंगे, टी बढ़ाएंगे तो e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, टी बढ़ाएंगे e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी बढ़ेगा, यानी k बढ़ेगा। ये तो वही बात हो गई ना, ये वही बात हो गई कि x बढ़ाएंगे तो e की पावर x का मान बढ़ेगा, k बढ़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं आपको e की पावर x लिख के रख दूं और मैं कहूं कि मैं x बढ़ाऊंगा तो आप कहोगे हाँ भाई साहब x बढ़ा दो, यानी कि तो e की पावर x बढ़ जाएगा। और इस मान को अगर मैं e की पावर x मान लेता हूं, इस मान को अगर मैं e की पावर x मान लेता हूं तो फिर k बढ़ जाएगा। तो k कैसा बढ़ेगा, कैसा बढ़ रहा है k, देखो k बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल, है ना, इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, भूल गया, ठीक है, वो जो होगा वो बढ़ेगा। तो वो एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ होता है, e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो कैसा ग्राफ होता है, वो ऐसे होता है, ये देखिएगा इस टाइप से ये जाएगा। तो जेई का क्वेश्चन है ये, आईआईटी जेई का एक क्वेश्चन है, मैंने इसलिए करवा दिया, थोड़ा सा फीलिंग आती रहे तुम लोगों को कि हाँ भाई हम काम की बात ही पढ़ रहे हैं, फालतू चीजें नहीं पढ़ रहे, ठीक है, और मुद्दे की बात ही पढ़ रहे। तो इसलिए थोड़ा दिमाग में रखिएगा इन बातों को कि कहीं ना कहीं हम उसको टच कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उसकी बातों को भी समझ लेते हैं। और इतनी गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप बढ़िया तरीके से लेक्चर समझ रहे हैं तो एटलीस्ट आप नीट के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि नीट समझ रहे होंगे आप लोग, उनके क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो ना तो फिर नीट का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा।
हाँ, दो चार चीजें एप्लीकेशन होती है जो बिल्कुल अलग होती है, तो वो फिर उसी बैच में पढ़ाते हैं, उन्हीं चीजों के लिए पढ़ाते हैं, वो फिर इसमें नहीं पढ़ाते। फिर वो आगे की बात है, जब आप करोगे सोचोगे कि करना है तो फिर वो अलग चीज होगी। लेकिन ट्वेल्थ जो है वो बेस है, यानी हर चैप्टर अपने आप में कुछ कहानी कहता है। ठीक, तो ये देखिए आपके सामने आ जाएगा, ये कंडीशन हो गई आपके सामने। चलो एक और नेक्स्ट, हम फिर से इक्वेशन ले रहे हैं k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और अब यहां पर एक हम ग्राफ खींचेंगे t और k के बीच में। कैसे खींचेंगे देखो मैं बता देता हूं। एक काम करो, पहले लॉग ले लेते हैं। यहां लिखता हूं लॉग बेस e लेने पर, पहले भी ले चुके हैं फिर से ले रहे हैं, क्या हो जाएगा log k बेस e इज इक्वल टू log a बेस e माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, वही log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, 2.303 log बेस 10 k बराबर 2.303, जहां जहां log बेस ई वहां वहां log बेस 10 2.303 के साथ लिख दो। यहां कितना हो जाएगा log a बेस 10 माइनस ई ए बाई आर टी, ये हो जाएगा। अब 2.303 से भाग दे दो सभी को। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा फाइनली log k बेस 10 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा log a बेस 10 माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी। देखो बच्चों, ये आ गया आपके पास एक समीकरण, ये आ जाएगा log k बेस 10 इज इक्वल टू log a बेस 10 माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी। ये एक समीकरण आपके सामने आ गया। अब जो ग्राफ आपको बनाना है वो ग्राफ अब आप देख लो, वो ग्राफ बनाना है log k बेस 10 और 1/t का। जो ग्राफ बनाना है, हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे log k बेस 10 और 1/t का ग्राफ। देखो कैसे निकालेंगे, सोचो आप कैसे निकालेंगे। ये क्या है y, ये क्या है c, ठीक, ये क्या है m, ये क्या है x। x जो है वो 1/t है, देखो 1/t, x जो है वो है 1/t, यानी ये रहा x और ये रहा m, और m में देखो क्या लगा हुआ है ऋणात्मक, ये है c, समझ गए होगे आप, जानते हो ना। चलो बता देता हूं, y इक्वल टू c प्लस mx, अगर ऐसे लिखा होता है तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये c धनात्मक है तो ये ऊपर की ओर चला गया, c धनात्मक है ऊपर की ओर चला गया, ठीक। फिर m धनात्मक है, प्रवणता धनात्मक हो गई, ऊपर की ओर जाएगा, m धनात्मक है ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, अब हमें लिखना है y इक्वल टू c माइनस mx, इसके लिए लिखना है, फिर वही कंडीशन, ये y हो गया ये x हो गया, ठीक है, ये y हो गया ये x हो गया, c धनात्मक है ऊपर ऊपर की ओर c धनात्मक है, m प्रवर्ता ऋणात्मक है नीचे नीचे की ओर, ठीक है, क्लियर है। दोनों जगह पर c धनात्मक है, दोनों जगह पर c धनात्मक है, लेकिन अगर c भी ऋणात्मक हो जाए तो क्या होगा, y इक्वल टू माइनस सी प्लस एम एक्स, सी ऋणात्मक हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नीचे से जाएगा, फिर ये नीचे से स्टार्ट होगा, ये माइनस सी है, एम धनात्मक है ऊपर की ओर चला जाएगा, समझ गए बात को,
क्लियर है। और अगर माइनस एम भी होता तो फिर नीचे से नीचे ही नीचे चला जाएगा, यही तो ग्राफ होता है ना, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का ग्राफ, वही चीज तो यहां है। देखो 1/t हमने लिया, 1/t यहां रख दिया, यहां log k बेस 10 रख दिया, ये c है, log a बेस 10 c है, log a बेस 10 c है, धनात्मक है ऊपर की ओर जाएगा, ये देखो प्रवणता ऋणात्मक है, ये m है, प्रवणता ऋणात्मक है, नीचे की ओर चला जाएगा। तो यहां पर जो प्रवणता दिखेगी वो कितनी होगी, यहां पर जो प्रवणता है वो कितनी है, यही तो प्रवणता है, ये होगा माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 r, ये है प्रवणता, माइनस 2.303 r, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो तो ये चीज आपको सीखनी थी, तो अब यहां पर आपका आर्हेनियस समीकरण से जुड़ी हुई सारी चीजें आपकी खत्म हो गई। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर कुछ दो चार बातें और बताता हूं मैं आपको। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है हाइड्रोकार्बन का, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है, ईए की गणना कीजिए, बताओ कर पाओगे इस क्वेश्चन को, हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है, ईए की गणना कीजिए, कर पाओगे, चलो ट्राई आप भी करो, ट्राई हम भी कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, चलो ट्राई करते हैं। देखो ये है हमारे पास में मान के का, मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूं, 4.5 × 10^11, ये और यहां है e की पावर -28000 केल्विन बाई टी, क्या ज्ञात करना है हमको, हमको क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है, मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो फटाफट अपन सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये ज्ञात करना है, तो इसको किसके समांतर कर दो आप, ए e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, देखो कर दिया हमने, क्लियर है, ए e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये अपन ने कर दिया, देखो यहां टी है, यहां टी है, यहां टी है, या इस ये पूरी जो घात है ना, पूरी घात को पूरी घात के समान रख दो, पूरी घात को पूरी घात के समान रख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी, चलो तो यहां रख देंगे माइनस, यहां क्या हो गया ई ए डिवाइड बाई आर टी बराबर माइनस 28000 बाई टी, टी से टी कट गया, तो अपने को माइनस से माइनस कट गया, कट गया, तो क्या चाहिए अपने को, ये चाहिए, ये निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 28000 × r, अब r आपको किस में रखना है, कैलोरी में रखना है या जूल में रखना है, ये आपके ऊपर है, अगर मुझे कैलोरी में रखना है ये का मान, क्योंकि ऊर्जा है, तो इसको क्या होगा 28 × 10^3, यहां कितना लिख दे 3 × 2, तो अब बाकी आप समझ गए होंगे ये मान आ गया कैलोरी में, अगर आपको जूल में रखना है तो आप जूल में रख सकते हैं, बोलो हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सरल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ये का मान रखना था और कुछ नहीं है, कर लोगे ना इस क्वेश्चन को, कर लिया सभी लोगों ने, बोलो फटाफट जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये रखो क्वेश्चन, चलो पढ़ो आप इसको, ट्राई करो एक बार फटाफट, ट्राई करो, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी करो, क्वेश्चन ट्राई किया, ईए की गणना कीजिए, ईए का मान निकालना है भैया, ईए का मान वही जैसे अभी किया था ना वैसे ही करना है, देखो यहां क्या लिखा हुआ, यहां लिखा है लॉग के बराबर 14.34 − 1.25 गुणा 10^4 के बाई टी, ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहां लॉग लिखा हुआ है, लॉग है ना, लॉग लिखा हुआ है, ये बात समझना, ठीक, तो लॉग वाला मामला लाना पड़ेगा अपने को, है ना, लॉग वाला मामला, तो अपन ने क्या किया था, फॉर्मूला क्या था, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही था, क्लियर, समझ में आ गया, तो log बेस 10 अपन ने आज ही लिखा भी, log k बेस 10 बराबर कितना था, log a बेस 10 माइनस ea डिवाइड बाई 2.303 rt,
यही तो था, इसको इससे कंपेयर करना। अब तो यहां पर अगर हम बात करें तो अपने पास में क्या कंडीशन आ जाएगी, अपने का पास में आ जाएगा ई ए डिवाइड बाई आ जाएगा 2.303 आर, टी से टी कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 1.25 × 10^4। बेटा कैलकुलेशन आपको करना है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसके लंबे हैं, करने बैठेंगे तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो अब आप आराम से करना घर पे तसल्ली से, मैं तरीका बता रहा हूं आपको। तो तरीका मैंने आपको बताया, यहां पर क्या होगा ई ए, यहां पर ई ए का मान निकाल लोगे यहां से, है ना, ई ए का मान निकाल लोगे, ई ए बराबर कितना आ जाएगा यहां पर, ई ए बराबर आ जाएगा आपके पास में 1.25 × 10^4 इंटू 2.303 इंटू आर, आर का मान जो होगा वो यहां रख दो। ये तो आ गया ई ए का मान, यहां तक बात समझ में आ गई है, क्लियर। अब आगे समझो, यहां तक आपका ई ए का मान आ गया, अब ये ई ए की गणना कर दी, तो पहला क्वेश्चन का सलूशन तो अपन ने निकाल लिया। अब है कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्ध आयु 265 मिनट होगी। देखो बच्चा अगर आधा हुआ, ये आधा, आधा भी बाकी है। कितने ताप पर, ताप मतलब टी निकालना है अपने को, कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्ध आयु 256 मिनट होगी। अब ये कैसे ज्ञात करें, ये कैसे ज्ञात करें, ये सोचने वाला काम है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, पहला पड़ाव तो ये निकाल लिया और हमें दिया है अर्धायु। अच्छा अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की है, तो याद करो प्रथम कोटि के लिए k बराबर कितना था, 0.693/t½, यही तो सीखा है हमने, k बराबर है 0.693/t½। टी हाफ का मान कितना दे रखा है, 200, कितनी अभिक्रिया की अर्धायु दे रखी है 256 मिनट, 256 मिनट, 256 मिनट यहां पर अर्धायु दे रखी है, तो टी हाफ की जगह कितना रख दो 256, तो के बराबर आ जाएगा आपका 0.693/256 आ गया 256। बस इस के मान को, बात सुनना सब लोग, बात सुनो, के मान को यहां रख देना, इस के मान को यहां रख देना, इस के मान को यहां रख देना, बस काम खत्म। 0.693/256 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए करते हैं अपन, तो के का मान निकल गया, इस के मान को यहां रख देंगे, यहां पर रख देंगे, यहां रख देंगे, और जब रख देंगे तो ये मान यहां पर लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लोगे, बात खोलोगे, इसको स्टार्ट हो गए, तो यहां से फिर टी आ जाएगा। समझ गए सब लोग, अरे समझ में आ गया सभी को, फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन का तरीका सीखो, वैल्यूज पे मत जाओ। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, पहले पार्ट में ईए की गणना कर दी है, कर दी अपन ने, कंपेयर कर लिया, इसको इससे कंपेयर किया, ईए की गणना हो गई। दूसरे पार्ट में पूछा कितने, कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्धायु 256 मिनट है, तो 256 मिनट है ये हमें यहां पर दिया गया अर्धायु, तो अर्धायु का मान 256 रख दिया अपन ने, तो ये मान हो गया, इस के मान को यहां रख दिया, इस के मान को यहां रख दिया, इसको हल कर दिया, देखो यहां टी रखा हुआ है, इस टी को यहां से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको यहां पर हल करनी है, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। चलो 4.27 अपन ने कवर कर लिया, नेक्स्ट 4.28 क्वेश्चन भी आपके सामने है, ठीक है। 4.28 क्वेश्चन क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ए के उत्पाद में विघटन के लिए के का मान इतना है तथा संकीर्ण ऊर्जा का मान इतना है, तो किस ताप पर के का मान इतना होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ए के उत्पाद में विघटन के लिए के का मान 4.5 × 10^3 सेकेंड इनवर्स है,
तथा संकीर्ण ऊर्जा 60 किलो जूल प्रति मोल है, किस ताप पर के का मान 1.5 × 10⁴ सेकेंड वर्स होगा। ठीक, एक हमारे पास टाइम है 10 डिग्री, तो भैया K1 का मान दिया हुआ है 4.5 × 10³ दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा ताप हमको ज्ञात करना है, K2 का मान कितना यहां पर बात कर रहे हैं, 1.5 × 10⁴। ये रो K1, ये रहा K2, और संकीर्ण ऊर्जा ये का मान हमको ये दिया हुआ है। ये का मान कितना दिया हुआ है भैया, ये का मान दिया है अपने को 60। ये लो, अब तो कर लोगे मेरे हिसाब से, कर लोगे, पक्का कर लोगे सॉल्व। कैसे करोगे, देखो सूत्र पता है ना, log K2 अपॉन K1 वाला, कल हमने डिस्कस किया था, बहुत बढ़िया तरीके से याद आ गया होगा, है ना, वो वाला क्या, log बेस 10 K2 अपॉन K1 is equal to EA divided by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये रखो, K1 का मान पता, K2 का मान पता, EA का मान पता, EA से R का मान देखो यहां किलो जूल में है, तो R का मान यहां पर किलो जूल में रखनेंगे, 8.314 जूल होता है, चाहो तो ऊपर वाले को 10³ से जूल में बदल देना, तो R का मान ये हो गया 8.314 जूल, ये किलो जूल, जूल किलो जूल समझ गए, T1 का मान 10, अच्छा T1 जो रखा जाएगा परम ताप होगा, हमेशा ध्यान रखना 10+273 परम ताप लेना है आपको, परम ताप यही लेना है, तो T1 बराबर 10+273 बराबर कितना हो गया 283, ये यहां रखना है, T2 आ जाएगा। देखो अब कैलकुलेशन किसकी, आपकी, तरीका मेरा, कैलकुलेशन आपकी, हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, सब पढ़ाया हुआ है, कुछ नया नहीं है, सब पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, कर लोगे मेरे हिसाब से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, इसको देखो, 298 केल्विन ताप पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 10% पूर्ण होने का समय, 308 केल्विन ताप पर 25% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है, यदि A का मान इतना है तो इतने पर K का और A की मान की घात गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन है 4.29, 298 केल्विन पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 10% पूर्ण होने का समय 308 केल्विन ताप पर 25% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है, यदि A का मान इतना है और 218 केल्विन ताप पर K तथा EA की गणना कीजिए, तो आपको क्या ज्ञात करना है, K ज्ञात करना है, और आपको क्या ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। सोच पाओगे कैसे करेंगे इसको, बोलो। तो 298 केल्विन ताप दिया हुआ है, 298 केल्विन ताप पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 10% पूर्ण होने का समय 308 केल्विन ताप पर 25% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है, यानी कि दोनों जगह पर जो समय लग रहा है वो समान है। यदि A का मान इतना है, देखो A का मान हमको दे दिया गया है 318 केल्विन ताप पर K तथा EA की गणना कीजिए, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर पहली बात तो इस जगह पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मान क्या होगा, पहले तो ये देख लेते हैं, तो 2.303 डिवाइड बाय T log बेस 10 A अपॉन A माइनस X, ये लगा लिया जाएगा, समझ में आ गया, तो यहां पर K का मान निकल जाएगा, 10% की बात कर रहे हैं तो X का मान कितना हो जाएगा, यहां पर 10% हो गया, प्रारंभ 100 ले लो,
क्लियर है। तो यहां पर जो के का मान है, यही के का मान कितना है, 308 केल्विन ताप पर 25%। भाई के भी सेम होगा, क्लियर होगा, के भी सेम होगा और टी भी सेम होगा, दोनों सेम होंगे, समझ गए बात को, क्लियर है। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आई, ये समझ में आया कि नहीं आया। 298 केल्विन प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10% पूर्ण होने में होने का समय, 308 केल्विन ताप पर 25% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है। इसका मतलब दोनों जगह पर समय बराबर लग रहा है, होगा दोनों जगह पर समय जो होगा वो बराबर है, ठीक है, क्लियर। यदि एक ये लाइन तो हटा दो, ये लाइन तो बाद की बात है, इसके बारे में तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो अलग चीज हो गई, K1 K2 वाला मामला लफड़ा लगे गया। ये लाइन क्या शो कर रही है कि 298 केल्विन ताप जो है उस पर जो समय है वो 308 केल्विन ताप पर जो लगा समय, यहां पर 10% और यहां पर कितना 25%, पर समय लगा है, समान लगा है। तो दो समय यहां पर आपके पास में है, लेकिन दोनों के क्या के समान होंगे, दोनों के क्या के, भाई टेम्परेचर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या दोनों के समान होंगे, के समान नहीं होंगे, लेकिन T1 T2 समान है। तो अगर T1 T2 समान है तो T1 T2 समान है तो यहां पर K1 अपॉन K2 का अनुपात निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तो ये सोच लो पहले, तो K1 अपॉन K2 का अनुपात निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, निकल जाएगा भाई K1 अपॉन K2 का, कैसे, T समान है, T बराबर इतना बराबर इतना, यानी एक ही जगह, देखो सुनना, यहां पर 100 कर दो, यहां पर 10 कर दो, तो 100/90 हो जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया, ये K1 का निकल के आ गया, K1 बराबर 2.303, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, यहाँ T और इसके आगे ले लोगे, K2 बराबर कितना होगा, टेम्परेचर अलग अलग है इसलिए K तो बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, K बदलेगा, 2.303 डिवाइड बाई T यहां पर आ गया, तो ये T यहां ले लो, ये T यहां ले लो, ये दोनों T समान है, तो K1 अपॉन K2 का अनुपात आ जाएगा, आ गया, या K2 अपॉन K1 का अनुपात आ गया। जब K2 अपॉन K1 का अनुपात हो गया, सुनना गौर से जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, log base tan K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला मैंने दिया ही है, ये बताइए आपको EA डिवाइड बाई कितना होगा, 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, तो तुम्हें क्या मान मिल जाएगा, तुम्हें यहां पर क्या मान मिल जाएगा, भाई K2 अपॉन K1 हो गया, K2 अपॉन K1 यहां रख दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, EA का मान आ जाएगा, EA का मान आ जाएगा, ठीक, EA का मान किस पर आ जाएगा, ये दो टेम्परेचर 298 और 308 पे, और ये जो EA का मान आ जाएगा, अब जब EA का मान यहां पर रख लिया, ये का मान यहां रख लिया, तो अब यहां पर आपको क्या निकालना है, फिर ईए का मान निकालना है, किस पर निकालना है, 308 केल्विन ताप पर। अब आगे की कहानी आप क्या करोगे, ये जो ईए का मान यहां रखा हुआ है, ईए का मान यहां रख दिया, ईए का मान यहां से निकाल लोगे तो यहां क्या हो जाएगा, log के बेस 10 इज इक्वल टू, यहां पर चेंज कर लो, ये डिवाइड बाई कितना होगा, यहां पर log ए, ए का मान भी तुम्हारे पास में है, ए का मान भी हमारे पास में है, तो यहां कितना हो जाएगा, log ए बेस 10 माइनस ईए डिवाइड बाई 2.303 आरटी, ऐसे भी लगा सकते हो, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है, ए का मान पता ही है, ईए का मान पता ही है, के का मान आ गया, क्लियर हो गई बात, कहानी खत्म, चलो आगे एक और करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी एक और करवा देता हूं, ताप में 298 केल्विन से 313 केल्विन तक, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लो,
293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है K2 अपॉन K1 का मान 4 है। याद करिए मैंने बताया था दर जितने गुना होती है वही K2 अपॉन K1 को प्रदर्शित करती है। तो ये हो गया K2 अपॉन K1 4 गुना हो गया, संकीर्ण ऊर्जा का मान निकालना। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में EA डिवाइड बाई यहां हो जाएगा 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। देखो ये फॉर्मूला लगा लो आप, K2 अपॉन K1 की वैल्यूज कितनी हो गई यहां पर 4 हो गई, EA का मान ज्ञात करना है 2.303 R हो गया, 1 अपॉन T1, T1 यहां कितना हो गया 293 और T2 का मान कितना हो गया 313। खत्म हो गई बात, सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अपन ने करवाया भी था, हो गया कोई डाउट नहीं आज तक, ठीक है। चलो एक चीज और बता देता हूं फिर आगे एक मैं आप 5 मिनट थोड़ा सा और लूंगा आपका। एक चीज और बता देता हूं, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है उसको भी आप समझ लें। एक चीज यहां पर होती है ताप गुणांक, उसको समझे ताप गुणांक क्या होता है। ताप गुणांक का मतलब होता है जैसे मैंने कल बताया था क्षेत्रफल, याद आ रहा होगा ऐसे करके मैंने ऐसे करके बताया था कि यहां जो क्षेत्रफल मिलता है वो क्षेत्रफल कितना होता है 2 गुना होता है। ये बताई थी बात, वही चीज यहां पर है कि किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री बढ़ाने पर दर 2 गुना हो जाती है, ठीक है, दर 2 गुना हो जाती है। तो ताप बढ़ाने पर ऐसे लिख सकते हैं, ताप बढ़ाने पर जितने गुना दर दर बढ़ती है या घटती है या होती है, जितने गुना दर होती है बढ़ती है घटती है जो भी है ताप गुणांक कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है, ठीक है। ये होता है ताप गुणांक, पहली बात जितने भी बढ़ेगी वो सब ताप गुणांक कहलाता है। अब प्रश्न क्या आता है वो मैं सिखा रहा हूं आपको, ये तो मैंने एक छोटी सी बात आपको बता दी ताप गुणांक के लिए। प्रश्न क्या आता है वो समझो, प्रश्न कुछ इस टाइप का आता है, सुनना। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं दर 2 गुना हो जाती है, दर 2 गुना हो जाती है, 2 गुना होती है, क्वेश्चन है ये। तब यदि ताप 25 डिग्री से 75 डिग्री तक 25 डिग्री से 75 डिग्री तक कर दिया जाए तक कर दे तब दर कितने गुना होगी, तब दर कितने गुना होगी, दर कितने गुना होगी। ये है भैया क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं दर 2 गुना हो जाती है, तो 25 से 75 डिग्री अगर कर देंगे तो दर कितने गुना हो गया, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। तो सुनो बहुत सीधा सरल तरीके से बता देता हूं,
10 डिग्री में हो रहा है दो गुना, तो 25 से 75 की बात कर रहे हैं, 25 से 75 यही तो है। तो आप एक काम करो, 25 से 75 की बात चल रही है, तो एक काम करो आप इसका डिफरेंस ले लो, किसका डिफरेंस, जहां से जहां तक हो रहा है, तो 75 माइनस 25, ठीक है, डिफरेंस ले लिया, डिवाइड बाई कर दो 10, जितने से जो दुगना हो रहा है वो कर दो 10, यानी कितना हो जाएगा यहां पर 50, बट्टा कितना हो जाएगा 50, बट्टा कितना हो गया 10, बराबर कितना आ गया 5। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, दोगुना हो रहा है, जो हो रहा था वो रखना है, और जो यहां मान आया वो रखना है। नहीं आया समझ में, ये जो दोगुना है वो यहां रखो, ठीक, अंतर इसकी घात के ऊपर बटा 10 करके, जिसने से हो रहा है वो कर दो, बस खत्म हो गई बात। दो गुना पांच, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी 32, यानी आंसर आ जाएगा 32। नहीं आया समझ में, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 10 गुना दो गुना 32 गुना 32 गुना यार, ठीक हो, एक बार रिपीट, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं दो गुना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं दो गुना, ठीक है, तो मान लेते 15 से 45 डिग्री तक कितना होगा, बताओ 15 से 45 कितना होगा, 15 से 45 कितना होगा, सिंपल है, 15 से 45 कितना हो जाएगा, 45 माइनस 15 बराबर 30। तो आपको क्या करना है, दो गुना यहां लिखा हुआ है, दो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 30, 30 बटा 10 बराबर दो की घात कितना हो गया 3, दो दुनी चार दुनी 8, समझ गए बात को। तो एक छोटी सी बात थी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर हमने आपको देखिएगा आरहेनियस समीकरण, संगत सिद्धांत, सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, क्वेश्चंस भी लगा दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको दे भी दिया है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब मैं दो मिनट आपके और ले लूंगा, बस उसके बाद देन फिनिश। एक क्वेश्चन, ये आपके इस टाइप की टेबल कुछ लगी हुई है, टेबल टाइप की कुछ है एनसीईआरटी में, ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं, इसको भी आप देख लें। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी है यहां पर, ए और बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग आर नॉट नीचे दिए गए हैं, ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिलता है, और ये एनसीईआरटी में है 4.10 क्वेश्चन, आपकी किताब का 4.10 क्वेश्चन है। क्या दिया गया है ये मैं आपको समझा रहा हूं, देखो यहां पर ए की तीन मात्राएं, ए की तीन सांद्रताएं आपके सामने दे रखी हैं, बी की भी तीन सांद्रताएं आपको दे रखी है, और आपको दर तीन दे रखे हैं, पूछा गया है कोटि क्या होगा। देखो सामान्य अगर बात करें तो कोटि क्या होगा, दर बराबर हो जाएगा के ए की घात, अगर माने हम माने ए की कोटि x है और b की कोटि y है, a की कोटि x है b की कोटि y, एक ऐसा हमने दर व्यंजक लिख लिया, लिख लेंगे आप। अब आप क्या करो, इन तीन में तीनों का समीकरण बनाना प्रारंभ करो, कैसे, देखो पहली, अगर पहली स्थिति देखो तो ये स्थिति आपके सामने है, दर ये है, b ये है, a ये है, तो यहां से अगर बनाए तो क्या लिखेंगे, 5.07 गुणा 10 की घात माइनस 5, ये लिख देंगे, k लिखेंगे, a की जगह कितना लिखेंगे, 0.20 की घात x और 0.30 की घात y। देखो ये हमने इससे एक समीकरण बना लिया, दूसरा समीकरण और बना सकते हैं 5.07 इंटू 10^-5 बराबर यहां पर k, और यहां पर अपन लिखे तो यहां कितना होगा, 0.20 की पावर कितना आ जाएगा, 0.20 की पावर x और 0.10 की पावर y, ये बेटा आ गया दूसरा समीकरण, ठीक है। फिर तीसरा समीकरण 1.43 गुणा 10 की घात माइनस 4 बराबर k, यहां हो गया 0.40 की पावर x और 0.05 की पावर y, ये बेटा तीन समीकरण हो गए,
अब समीकरण तो हल करना आता ही होगा आपको, समीकरण तो हल करना आता। देखो ये एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। अब आपको क्या करना है, तीनों समीकरण को यहां पर लेना है। तो पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को भाग करना या दूसरे को तीसरे से भाग करना। तो एक ऐसे जैसे हम बात करें पहले समीकरण, देखो पहले समीकरण की बात करें तो ये देखो दोनों मान समान है। कैसे करना ये भी बता देता हूं, चलो फटाफट देख लो। ये देखो यहां पर ये मान समान है तो डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा, कैसे के कट जाएगा, ये कट जाएगा और सीधे सीधे यहां पर मान आ जाएगा 0.30 डिवाइड बाय 0.10 घात आ जाएगी, वाई का मान आ जाएगा। फिर एक का जब वाई का मान आ गया तो फिर उसको उठा के दूसरे में रख दो, किसी में भी रख दो, या कोई दो समीकरण है उनसे देख लो, कर लोगे इस बात को। समझ में आ गया क्वेश्चन? सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, समीकरण जो है वो आपको ध्यान रखना है, समीकरण ध्यान रखना है और समीकरण को हल करना है। और जब समीकरण को हल करोगे तो आपके सामने x और y का मान आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ये दिखेगा तो इसलिए मैं तरीका मैंने बता दिया कि इस टाइप से आपको समीकरण लाना है। पहला केस का समीकरण, दूसरे केस का समीकरण और तीसरे केस का समीकरण लाना है। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात? अच्छा, इसमें एक हम जुगाड़ विद्या भी लगा सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जुगाड़ विद्या भी लगा सकते हैं। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम जाना पड़ेगा। कैसे? ए का मान देखो यहां लिखा है 0.20 और बी का मान लिखा है 0.20, मतलब पहले केस में ए का मान, ये पहला केस है, ए के तीन मान है और बी के भी तीन मान है। तो ए के देखो, ए या बी में से ऐसी जगह देखो जहां पर दो मान समान है, जहां पर दो मान समान है। जुगाड़ लगा रहा हूं मैं, देखो जुगाड़ कैसे लगा रहा हूं। पहला मान देखो, पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान, तीन ए के मान है, पहला मान बी का, दूसरा मान बी का, तीसरा मान बी का, ये तीन मान है। हमने ए के दो मान देख लिए, यहां पर ये दो मान समान है। हम ऐसा देखें जहां पर दो मान समान है। अब देखो जरा, दो मान समान है यानी कि पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में ए के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बी वाले में देखो क्या हुआ है। बी वाले में क्या हुआ, 0.30 है, 0.10 है, यानी कि इसका मतलब एक तिहाई, 1/3। और यहां आपने सांता में 1/3 किया, लेकिन दर में देखो, दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब आप सोचो, सांता में आप कुछ भी परिवर्तित करो, दर में परिवर्तन नहीं हो रहा। सांता में कुछ भी परिवर्तन करो, दर में परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब आप कुछ याद करो, कुछ ऐसी चीजें सिखाई थी मैंने आपको कि सांता में कुछ भी परिवर्तन करो, दर में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये तभी हो सकता है जब उसकी घात शून्य हो। बोलो हाँ या ना? सांता में परिवर्तन करने पर दर में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो रहा, इसका मतलब घात शून्य होगा। लो यही पर आंसर आ गया, पहले का आंसर शून्य होगा, यानी एक्स का मान शून्य होगा। समझ में आ गया, एक्स का मान शून्य हो गया। अब यही चीज अगर दूसरे में मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या बी में दो मान समान मिल रहे हैं? बस बी में दो मान समान नहीं मिल रहे, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो फिर आपको ये मान मिलेगा, तो वहां पर आपको दो समान, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दो मान समान मिलेंगे। बी के भी दो कोई दो मान समान होंगे, ए को भी कोई दो मान समान होंगे। तो तुम करना क्या, जो समान मान हो, जैसे ये समान मान है, इसके समान के साथ में बी का मान में क्या परिवर्तन हो रहा है वो देख लो, और बी के मान और दर में क्या परिवर्तन हो रहा है वो देख लो, इसके अनुसार से इसको जुगाड़ में सेट कर लो। फिर ए का मान निकल गया, अब इसका काम ऐसे ही बी के लिए कर लो। जैसे मान लेते बी में यहां पर दो मान समान होते, यहां दो मान समान होते तो यहां पर सांता का परिवर्तन देखते, यानी ए की सांता का परिवर्तन देखते, दर का देखते, हो जाएगा। अब यहां क्या करें, यहां आपको समीकरण लानी पड़ेगी। x का मान तो मैंने बता दिया शून्य आ गया, तो x का मान जब ये शून्य आ गया, ये समझो यहां पर x का मान शून्य आ गया, तो फिर तो आपको y का मान ही तो निकालना है। कर लोगे ना इसको, फिर तो समीकरण से हल करके निकाल सकते हो आप, कोई कहीं पर x का मान पुट कर दो, y का मान आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई बेटा, तो ये मैंने एक चीज और आपको बता दी। तो आज हमने इस चैप्टर को खत्म कर लिया, थोड़ा सा आपका कुछ समय हमने ज्यादा ले लिया, तो ये आपका जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। चलो, तो इसके बाद हम मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, और कल हम स्टार्ट करेंगे ठोस अवस्था।